अच्छा जी जी, तस्वीरें दिखा दिखा के बच्चे बाल कटवाते हैं। तो ये थी ये शो अप अबाया वाली, तो माशाल्लाह से बहुत प्यारे प्यारे अबाये थे और थे भी काफी महंगे। अस्सलाम वालेकुम, आज हम तो बाल कटा रहे हैं, मैं अन्ये कंजूस। इसको कंजूस क्यों कह रहे हो? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जी हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं जी। सुबह हम नाश्ता करके तो बाहर निकल आए हैं क्योंकि बच्चों की हो गई है हॉलीडे स्टार्ट, इनका जी एक वीक की छुट्टियां हैं, तो आज मैं इनको लेके आई हूँ हेयर कट पे, तो आज करवाएंगे ये हेयर कट। अच्छा जी जी, तस्वीरें दिखा दिखा के बच्चे बाल कटवाते हैं। अच्छा जी, चलो जी अहमद की लुक तो आगे देखते हैं, आगे किसकी क्या फाइनल लुक निकलती है। हाय, तो हम बैठे हुए हैं गाड़ी में और वेट कर रहे हैं हमारी बारी का। मैंने कहा अंदर बैठने से बेहतर हम गाड़ी के अंदर ही बैठ जाए। तो ये जी हमारा बार्बर और साथ में है डोमिनोज। चले मैं आपको ना बार्बर की शॉप दिखाती हूँ। ये देखिए, ये माशाल्लाह से इनकी शॉप है जो ऐसे डेकोरेट की होती है यहाँ पे। तो यूके में ना इनकी बड़ी डिमांड है, तो जो कोई भी ऐसे किसी को मौका मिले ना यहाँ पे आने का, तो वो वहाँ से अपना हेयर ड्रेसर का कोर्स करके आए, तो मैं कहती हूँ आते ही वो अपना आके ना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, उन्हें कोई जॉब फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारे तो पाकिस्तान में ऐसे कह देते हैं ना, चलो नाई है, नाई नहीं, यहाँ पे बार्बर की बड़ी वैल्यू है, तो माशाल्लाह से वो अच्छा खासा कमा लेते हैं, अपना घर चला लेते हैं। सारी बात है, काम तो काम होता है ना, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें इन सबको ना अप्रिशिएट करना चाहिए। यहाँ पे ना बार्बर में बहुत रश होता है, तो फिर बारी का इंतज़ार करना पड़ता है, तो यहाँ पे फिर हमें उन्होंने बुला लिया, हमारी बारी आ गई थी और सबसे पहले अहमद की बारी थी। तो ये उसको अब दिखा रहा था फ़ोन के ऊपर कि मुझे बाल किस तरह के कटवाने हैं। तो आजकल के बच्चे जो है ना, वो बस क्या कहते हैं जी, ये कोई फुटबॉलर वगैरह कोई पता नहीं क्या क्या देख लेते हैं इंटरनेट पे, तो उसी हिसाब से फिर ये चलते हैं जी, हमने इस तरह के बाल कटवाने हैं और हमारा ये आजकल का ये ट्रेंड है और ये फैशन है, तो बस फिर उसके साथ फिर हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे उसके बाल जो है कट गए थे और वो सेटिंग वगैरह कर रहे थे, बढ़िया स्प्रेयां शप्रियाँ ला के उन्होंने बड़ा बीबा पुत बना के घर भेजा। ये नहीं पता कि घर आके तो फिर उसने जब नहाना है तो उसके बाल फिर दोबारा वैसे ही हो जाने हैं, क्योंकि वो जो उसका स्टाइल था वो था कर्ली हेयर के लिए। लेकिन अहमद के बाल जो है वो स्ट्रेट है, इसलिए फिर तो बस थोड़ी देर खुश रहा है, तो उसके बाद फिर बस वैसे ही हो गया। ठीक है, अहमद ने पहली दफ़ा अपने बाल अपनी पसंद के कटवाए और माशाल्लाह से इतना खुश है, इतना खुश है। बार बार चेक कर रहा है कि मेरे बाल वैसे हैं। हाँ जी ऐसे ही हैं, बिल्कुल सेम है, ऐसे ही है। आपके बाल कर्ल नहीं है ना, स्ट्रेट है, इसलिए ऐसे। बस जी, बच्चों को खुश करना भी बड़ा मुश्किल है। इसके बाद फिर राहत की बारी आ गई, तो इसने भी बस इसके तो सिंपल से थोड़े से कटवाए थे, तो बस इसके बाद फिर बच्चों को लग गई है भूख। तो ज़रा छुट्टियां भी हो और बाहर निकलें तो भूख ना लगे, ये तो हो नहीं सकता। फिर मैंने इनको पेपर्स लेके दिया, मैं कहा उन गड्डी से बैठ के खा लो, अंदर जाने की ज़रूरत कोई नहीं। तो यहाँ पे हम गाड़ी में बैठ के खा रहे हैं। तो उसके बाद जो अलीशा, उसने मेरी बड़ी बेटी ने, उसने जाना था एक शॉप पे, तो उसने थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो वो कहती मामा मुझे लेके जाओ ना। तो फिर यहाँ पे आए हैं हम लोग, ये अबाया की शॉप है, तो माशाल्लाह से इसने खुद ही कहा है कि मामा मैंने अब से ना अबाया पहना करना है, तो मुझे अबाया लेके दें। तो मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा दिल इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि अब मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। जब इसने ये अल्फाज कहे हैं तो मैंने शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो बस मैं यही चाहती थी कि बस मेरे बच्चे जो ना वो इस्लाम के ऊपर चलें, उन्हें इस्लाम के बारे में पता हो, उन्हें हर चीज़ के बारे में पता हो। तो मैंने शुक्र अदा किया, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर हम लोग बैठे हुए हैं, जिस मुल्क में बैठे हुए हैं ना, तो यहाँ पे तो ज़ाहिर बात है हमारा मुल्क तो नहीं है ना, तो इसलिए फिर मेरी यही कोशिश होती थी कि बस ये बच्चे हमारे जो ना वो बस इस्लाम पे चलें। ज़रा हमारे पाकिस्तान में तो ज़रा घर में दादियाँ नानियाँ होती हैं, बड़े होते हैं घर में, बुज़ुर्ग होते हैं, कुछ ना कुछ बच्चों को समझाते हैं, उन्हें कोई अकल की बात देते हैं, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर हमें खुद इतनी अकल नहीं है, तो हम बच्चों को क्या दें। तो बस मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी हमेशा हर नमाज के बाद कि या अल्लाह बस मेरी बच्चियाँ जो है ना वो बस सीधे रास्ते पे चलने वाली हों, या शर्मो हया वाली बच्चियाँ हों, अपनी इज्जत की हिफाजत करें बस। तो आप भी ये दुआ करेंगे अल्लाह ताला बस बच्चों को नेक बनाए,
मेरी बच्चियों का नहीं, अल्लाह ताला सब बच्चों का नेक बनाए। मैं ये नहीं कहती कि मेरी बच्चियों का, अल्लाह ताला सब बच्चों का नेक बनाए और इस्लाम पे चलने वाला बनाए। तो ये थी ये शॉप अबाया वाली। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारे प्यारे अबाए थे और थे भी काफ़ी महंगे। तो बस यहाँ से फिर दो तीन उसने लिए हैं, चूज़ किए हैं। तो फिर उसके बाद फिर हम निकल आए हैं वहाँ से। तो उसके बाद फिर मैंने करनी थी शॉपिंग हस्बैंड की, क्योंकि वो उनकी शॉपिंग भी जो है वो भी मैं करती हूँ, तो वो खुद करते नहीं है, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो शॉपिंग पे जाएं। तो फिर मैं वहाँ से निकली हूँ तो सीधा चली गई हूँ शॉपिंग सेंटर। तो ये एक छोटा सा वहाँ पे ना एक शॉपिंग सेंटर बना हुआ है, तो वहाँ पे जाके फिर मैंने उनकी शॉपिंग की है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ सारा। तो आज वेदर जो था ना वो बड़ा अच्छा था। दिल था मेरा कि आज सारे काम जो बाहर के करने वाले काम है ना सारे तो आज ही हो जाएँ, क्योंकि वेदर भी अच्छा था और तंग करने वाला बच्चा भी साथ में कोई नहीं था। क्योंकि बच्चे जब साथ सारे हों ना तो इन सब की आपस में ना बाहर जाके लड़ाई ज़रूर हो जाती है, कोई किधर को भागता है कोई किधर को भागता है, फिर मैं ना टेंशन में आ जाती हूँ कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो बच्चों के साथ शॉपिंग करना ना बहुत मुश्किल है, तो स्पेशली छुट्टियों में। मैं जेडी में आई हूँ इसके चीज़ें लेने हस्बैंड की, तो समझ नहीं आ रही क्या लें क्या ना लें। बड़ी वैरायटी पड़ी हुई है यहाँ पे, कुछ ऑफरें लगी हुई हैं, ये देखें 30 पाउंड में ये एडिडास के ट्राउज़र और जंपर्स जो है वो 40 पाउंड के, 38 पाउंड के, और मुझे वो अच्छा लगा ब्लू ये वाला। तो क्या लूँ अब देखते हैं क्या लेते हैं। फिर ये देखें नॉर्थ फेस का, ये भी बड़ी अच्छी हुडी है, लेकिन ये फुल प्राइस पे है, इसकी फुल प्राइस है, ये सेल पे नहीं है। ये जेडी है, जेडी पे ना सारा यानी मेंस वेयर वुमेंस हर किसी का होता है सामान वगैरह। तो ये डिज़ाइनर सारा चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि एडिडास की, नाइक की, बोस की, मैकेंजी की, ये नॉर्थ फेस की, हर किस्म की यहाँ पे वैरायटी होती है। तो फिर मैंने ये एक ब्लू चूज़ किया था और एक ब्लैक मैंने लिया, तो जो आप नेक्स्ट वीडियो में आप हस्बैंड के पहने हुए भी देखेंगे। तो ये जी होगी मेरी शॉपिंग यहाँ पे। तो मैं कहती हूँ कि दो मैंने सिर्फ ये लिए हैं और दोनों की प्राइस मैं आपको बता नहीं सकती, आसमान पे छू रही हैं। ये देखिए 220 पाउंड के ये दो इनके आए हैं ट्रैक सूट, एक ब्लू और एक दूसरा ब्लैक। तो मैं कहनी है किसी होने की लेना। तो बस ये थी शॉपिंग की। तो बस मैं कहनी पसंद आ जाए फिर पैसे पूरे। ये है जी जब्बे जो हम लेके आए हैं, अभी बेटी पहनेगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के लिए है। प्यारा लगा है ये तो, ये जी माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, माशाल्लाह से। ये दूसरा जब्बा है, ये भी प्यारा है, बहुत प्यारा है। इसके ऊपर ये देखिए इसके बाजू बाजू करना आ गए, ये बाजू ऐसे बीड्स बने हुए हैं और ये साथ में बेल्ट है, और ये सिल्क का है, ये भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। और ये थी मेरी आज की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो चलें जी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।